Hello dear students, in this video I am going to explain you lesson 6, I want something in a cage, which is given in your an alien handbook. So in this lesson there is a character whose name is Mr. Purcell. He owns a pet shop. Mr. Purcell owns a pet shop. He used to sell pet animal. Mr. Purcell pet animal sell kiya karte the. उनका पेट शॉप था. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट हिज अपीयरेंस. मिस्टर पर्सल वाज अ स्मॉल हाइटेड फसी मैन एंड ही वाज हैविंग मेलन लाइक स्टमक. बड़ा सा स्टमक था एंड ही यूज्ड टू वेयर अ वेरी थिक स्पेक्टिकल्स, वेरी थिक ग्लास एंड थ्रू दैट इफ वी सी हिज आईज it magnifies, that glass magnifies his eyes. जो glass वो एकदम मोटी सी glass पहनते थे और उस glass के through देखने से ऐसा लगता था कि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है. And so his eyes were compared with the eyes of an owl. Now his daily routine was to go and open the pet shop. And after completing daily routine work, he used to sit on a high stool and read the newspaper. वो daily routine उनका ये था कि pet shop open करके जो भी काम होता है वो complete करने के बाद वो एक stool पे बैठ जाते थे और उसके बाद वो newspaper पढ़ते थे. And he used to read all the news given in the newspaper. Even he was reading advertisement also. सारे advertisement से लेके सारे news जो भी newspaper में होते थे वो सब पढ़ लेते थे. Other people who were coming to his shop, जो भी other people उनके shop में आते थे, they used to think that how he used to tolerate lots of noise produced by pet animal. वो ये सोचते थे कि ये आदमी कैसे इतना सारा noise झेल पाता है जो कि pet animals produce करते थे. Pet animals जो पिंजरे में बंद होते थे वो हमेशा आवाज़ करते थे और उनके movement से भी आवाज़ होता था, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हुआ करता था उनके पेट शॉप में. और लोग जो कस्टमर है वो लोग ये सोचते थे कि ये मिस्टर पर्सल किस तरह से उन नॉइस को टॉलरेट कर पाते हैं. लेकिन मिस्टर पर्सल के लिए वो नॉइस कुछ भी नहीं था. वो इतने यूज्ड, वो नॉइस इतना यूजुअल हो गया था उनके लिए कि उनको उतने नॉइस में भी जो क्लॉक था, वॉल क्लॉक का जो टिकिंग साउंड था वो भी सुनाई देता था. सो वन विंटर मॉर्निंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डेली रूटीन ही सेट ऑन अ स्टूल एंड स्टार्टेड टू रीड न्यूज़पेपर. एंड एट दैट टाइम वन कस्टमर केम इनसाइड हिज शॉप. जनरली व्हाट इट वाज हैपनिंग दैट व्हेनेवर कस्टमर्स वर कमिंग टू हिज शॉप then there was a bell on the door of that shop which used to ring. जब भी कस्टमर कोई आता था तो वो डोर बेल बज जाता था और मिस्टर पर्सल को पता चल जाता था कि कोई कस्टमर आया है. बट दिस टाइम दैट बेल वॉज फेल टू रिंग एंड दैट कस्टमर केम डायरेक्टली इन साइड द शॉप. मिस्टर पर्सल को पता नहीं चला और क्योंकि बेल नहीं बजा और कस्टमर डायरेक्टली शॉप के अंदर आ गया. एंड एट दैट टाइम मिस्टर पर्सल वाज बिजी इन रीडिंग न्यूज़पेपर और अचानक से जैसे वो सामने देखते हैं ही सॉ दैट कस्टमर. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द अपीयरेंस ऑफ कस्टमर. कस्टमर वाज वेरी थिन मैन, बहुत ही पतला था एंड ही वाज वेयरिंग अ वेरी चीप इल फिटेड सूट. ओके, एक सूट पहना था, एक कोट पहना था जो बहुत ही इल फिटिंग था, उसमें फिट नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी और का कोट है वो पहन लिया है. एंड हिज आईज वेर लुकिंग हियर एंड देयर इन साइड द शॉप एंड हिज हेयर्स वेर क्लोजली क्रॉप्ड.
Then Mr. Parsal, he when he saw that customer, he stood up and kept his tool a little bit. He moved his tool aside and then he asked to that customer that what did he want. He first of all he greeted the customer and then he asked that what did he want. Then that man came little bit forward, but he did not look at Mr. Parsal and still he was looking inside the shop here and there. वो इधर उधर देख रहे थे जो शॉप के अंदर जो पेट एनिमल्स थे उनको वो कस्टमर देख रहे थे और पर्सल की तरफ वो नहीं देखता है. फिर से मिस्टर पर्सल ही पुट हिज हैंड ऑन हिज मेलन लाइक स्टमक एंड देन अगेन ही आस्क्ड टू दैट मैन. एट फर्स्ट ही सेड दैट दिस इज अ वेरी अनप्लीजेंट मॉर्निंग एंड देन ही अगेन आस्क्ड दैट व्हाट डिड ही वांट. इधर उधर की बातें करते हुए फिर से मिस्टर पर्सल उस आदमी से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए. देन दैट मैन लुक फॉर द फर्स्ट टाइम एट मिस्टर पर्सल. फिर वो आदमी मिस्टर पर्सल की तरफ देखता है और ऐसा लगता है कि वो पहली बार उसे देख रहा है. एंड देन ही सेड दैट ही वांटेड समथिंग इन अ केस. उसे कुछ ऐसा चाहिए जो पिंजरे में हो. ऑब्वियसली पेट शॉप है और सारे पेट एनिमल पिंजरे में है तो ये बड़ा अजीब सा आंसर लगता है मिस्टर पर्सल को. तो फिर भी मिस्टर पर्सल फिर बोलते हैं कि अच्छा डू यू वांट रेड बिकॉज ही वाज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल वाइट कलर रेड. मिस्टर पर्सल उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें रेड चाहिए क्योंकि उसके पास बहुत सुंदर सा वाइट कलर का रेड था. देन दैट मैन सेड नो ही डोंट वॉन्ट एनी रेड but he wants something which has wings. तो वो थोड़ा सा और डिटेल बताता है कि उसे ऐसा कुछ चाहिए जो केज में भी हो और उसके विंग्स भी हो. तो फिर मिस्टर पर्सल बोलते हैं अच्छा राइट डू यू वॉन्ट बर्ड्स. तो पर्सल उसे बोलते हैं कि क्या आपको बर्ड चाहिए. देन दैट मैन सेड यस. देन पर्सल सॉ हिम अ टू वाइट कलर डव. तो पर्सल उसे व्हाइट कलर का डव दिखाते हैं एंड देन दैट मैन आस्क्ड अबाउट द प्राइस ऑफ दैट डव. मिस्टर पर्सल सेड दैट $5.50. देन दैट मैन बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वाज हैविंग ओनली $5. सो क्विकली ही आस्क्ड टू मिस्टर पर्सल दैट वेदर ही विल गिव दैट डव इन $5 और नॉट. मिस्टर पर्सल he calculated in his mind that whether he is making profit within $5 or not, and then he came to know that yes he is getting a nice profit. wo calculate kar lete apne dimag mein ki unko profit mil raha hai ki nahi $5 mein agar wo sell karte hain us bird of ko. to fir unko pata chalta hai ki nahi unko profit ho raha hai. then to wo bolte hain ki agar तुम्हें इतनी ही ज़रूरत है उन डव की तो तुम $5 में उसे ले सकते हो. एंड देन दैट मैन प्रोड्यूस $5. ही कैप्ट इट ऑन द कैश काउंटर एंड मिस्टर पर्सल वेंट एंड अनहुक द केस एंड ब्रॉट इट एंड गिवन टू दैट मैन. आफ्टर दैट दैट मैन he wanted to tell Mr. Parsal about how he earned those $5. वो Mr. Parsal को बताना चाहता है कि वो $5 उसने कैसे earn किया. Then he said that कि he earned those $5 in 10 years, 50 cents in 1 year. He was working very hard and he was earning 50 cents in 1 year and $5 he earned in 10 years. It is such a long time. So Mr. Parsal, he laughed a little bit and then he said this, yes, it's a very long time. इतने दिनों में सिर्फ इतना ही तुम्हें मिला. Then that man again said that, yes, they gave him this. He was in a prison for 10 years and he was working there.
एंड ही अर्न $5 इन 10 ईयर एंड ऑल्सो ही वेन ही वॉज रिलीज फ्रॉम जेल एट दैट टाइम पुलिसमैन गिवन हिम वन इल फिटेड सूट एंड दैट $5 एंड दे हैव ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड दैट नॉट टू कॉट अगेन. All these things he said to Mr. Purcell, and after that Mr. Purcell he wanted to tell that man about the feed and care of those birds. Purcell उस आदमी के बात सुनने के बाद उसको बताना चाहते हैं कि उस dove का care कैसे करना है. But that man was not interested to hear all this thing, and while Mr. Purcell was telling him about how to take care or how to feed those birds, he just took that case and went outside the shop. जब Mr. Purcell बता ही रहे होते हैं कि कैसे उन birds का care करना है, वो आदमी case उठाता है और shop के बाहर चला जाता है. And after that, he released those two doves one by one. एक एक करके उन दोनों बर्ड को केज से रिलीज कर देता है. एंड ऑल दिस थिंग्स वाज दैट मिस्टर पर्सल ही वाज लुकिंग ऑल दिस थिंग फ्रॉम हिज विंडो. ये सारी चीजें मिस्टर पर्सल विंडो से अपने देख रहे होते हैं एंड ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड बिकॉज व्हेन दैट मैन सेड दैट ही वांटेड दोज डॉग्स इन $5 देन Mr. Purcell, he calculated that whether he is getting profit in $5 by selling those doves in $5 or not. Mr. Purcell calculate करते हैं कि उनको profit मिल रहा है कि नहीं. लेकिन this man, ये इसने क्या किया, इसने जो पैसा 10 साल में कमाया था इतना hard work करके, उसे सिर्फ दो birds को फ्री करने में स्पेंड कर दिया और बिल्कुल भी नहीं सोचा, कुछ और नहीं सोचा, अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के फ्रीडम के बारे में सोचा. सो ही सो मिस्टर पर्सल ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी.